टाइप ऑफ वेक्टर्स में कुछ टाइप वेक्टर्स के हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम ना ऐसे ठीक है मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा आप समझ भी लेंगे, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हम एक बार सुन लेंगे, जब हम एप्लीकेशन करेंगे आपको अपने आप समझ आएगा इनकी क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। कुछ यूज़ भी नहीं होते ज़्यादा, कुछ बहुत यूज़ होते हैं। तो पहले टाइप का वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है। देखो इक्वल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर्स इक्वल, अगर मैं बोलता हूँ कि इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। जैसे अगर मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है, अब कोई कहता है यार ये ए वेक्टर क्या चीज़ है, ए वेक्टर क्या चीज़ है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी फोर्स भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ फोर्स के ऊपर थोड़ा ना चैप्टर बना रहा हूँ। जैसे आप मैथ्स में एलजेब्रा करते हैं, एलजेब्रा में एक्स के साथ वेरिएबल ले लेते, सारी गेम एक्स के साथ खेलते हैं। एक्स क्या चीज़ है, किसी चैप्टर में वो प्रॉफिट लॉस हो सकता है, किसी चैप्टर में उसकी वैल्यू कोई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स इज अ वेरिएबल। ऐसी ए वेक्टर किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ए वेक्टर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या दुनिया भर का जो भी वेक्टर है वो ए वेक्टर है। तो किसी क्वेश्चन में ए वेक्टर फोर्स बन जाएगा, किसी चैप्टर में ए वेक्टर वेलोसिटी बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमने फिक्स नाम नहीं दिया इसका फोर्स या वेलोसिटी, हमने ए वेक्टर नाम रख दिया, राइट। तो कोई भी ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, क्योंकि ए वेक्टर का नाम नहीं दिया। अगर मैं बोलता ए वेक्टर तो फोर्स है, तो फिर मैं बोलता 10 न्यूटन। अगर मैं बोलता ए वेक्टर वेलोसिटी है, फिर मैं मैग्नीट्यूड बोलता 10 मीटर पर सेकेंड। पर मैंने ए वेक्टर बोला ही नहीं कुछ भी, तो मैं यूनिट्स नहीं लगा सकता, बस मैग्नीट्यूड क्या है 10, और डायरेक्शन का है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर मैं कहूँ एक और वेक्टर बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी 10, और डायरेक्शन का है अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है। तो ऐसे केस में आप ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये सेम है। इसका मतलब ये है, अगर एक भी चीज डिफरेंट हो गई, वैल्यू भी सेम कर दो, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई, फिर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माना जाएगा, राइट। दोनों चीजें सेम है तो वेक्टर इक्वल है, अगर दोनों चीजें सेम नहीं है वेक्टर इक्वल नहीं है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो जैसे एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, ये वी वन वेक्टर है, ठीक है। अब 50 मीटर पर वेलोसिटी, मैं ए वेक्टर को बोलूंगा वी वन वेक्टर है। उसी तरीके से एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, वी टू वेक्टर है, क्योंकि दोनों कार्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा ए वेक्टर। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे माइनस ए वेक्टर चाहिए, आप मुझे क्या दे रहे हो? ए वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? माइनस ए वेक्टर। तो माइनस साइन यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देगा, बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा। जिस वेक्टर के आगे माइनस लग गया, माइनस ए वेक्टर, डायरेक्शन देखो ये राइट थी तो क्या हो गई? लेफ्ट, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। कोई ये ना कहे कि मैग्नीट्यूड भी माइनस हो गया, ना, मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता, जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। माइनस साइन वेक्टर में सिर्फ क्या शो करते हैं? डायरेक्शन ऑपोजिट। जैसे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर, कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? एक नया वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे एक कार जा रही है वी वेक्टर, और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन का है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैंने कहा क्या चाहिए मुझे? माइनस वी वेक्टर।
माइनस वी वेक्टर का मतलब ये कार कहां जाएगी, माइनस वी वेक्टर का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन मैग्नीट्यूड विल रिमेन, यहां माइनस टेन नहीं बोलना, मैं बार बार कह रहा हूं, काफी लोग गलती करते हैं, यहां उठा के माइनस टेन लगा देंगे, गलत, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस साइन सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ठीक। तो नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है को इनिशियल वेक्टर्स। एक आध नंबर में ये टाइप ऑफ वेक्टर्स आते हैं, एक आध नंबर में, ज्यादा नहीं आते, एक आध नंबर आ जाता है स्कूल में, कॉम्पिटिशन में तो वो भी नहीं आता, कॉम्पिटिशन से अब चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, आएगा क्या अभी, तो स्कूल वाले फिर भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इतना सुनने के बाद अब वो एक नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आया तो, ठीक। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, अगर सभी वेक्टर्स की वैल्यू डिफरेंट है चलेगी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो मर्जी लो, डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी चलेगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सभी वेक्टर्स का सेम है तो वो कौन से वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, या ये क्लैंप है, खोद रखा है नीचे मिट्टी में, और किसी ने रस्सी बांध ली और यहां इसको खींचना शुरू किया, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, वेक्टर से रिप्रेजेंट किया फोर्स, इट्स अ वेक्टर। दूसरे ने इसको ऐसे खींचना शुरू किया, तीसरे ने यहां खींचना शुरू किया, चौथे ने यहां खींचना शुरू किया, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है, सबकी फोर्स अलग है, सबकी डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये कौन से वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स है। क्लियर है यहां तक? को इनिशियल वेक्टर्स क्या है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक। नेक्स्ट वेक्टर है को टर्मिनस वेक्टर, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम है उसे क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। जैसे सपोज करो एक कोई भी बॉडी है, कोई स्टूडेंट इसके ऊपर यहां फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, कोई यहां फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, पहले क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, अब उसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऐसी हो गई, तो ये सारे वेक्टर्स क्या है, को टर्मिनस वेक्टर। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन में आता देखा नहीं है, को इनिशियल के ऊपर तो देखा है, राइट, पर पता होना चाहिए को टर्मिनस क्या है। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो जीरो है या फिर 180 है, जीरो मतलब एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर वैल्यू अलग है चलेगी, एक कार जा रही है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ए वेक्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी कार जा रही है बी वेक्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, वैल्यू को छोड़ो, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल दो डायरेक्शन के बीच में क्या है, जीरो। अगर डायरेक्शन सेम है तो दो डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन है तो एंगल उनके बीच में क्या है, जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। या फिर एक कार राइट जा रही है किसी भी वेलोसिटी से, एक कार लेफ्ट जा रही है किसी भी वेलोसिटी से, एंगल उनके बीच में 180 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो भी वो कोलीनियर वेक्टर है। तो कोलीनियर वेक्टर में इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो एंगल या तो उनके बीच में जीरो बनेगा या फिर 180। तो कई बार अगर एंगल जीरो है इसको क्या बोलते हैं, लाइक या पैरेलल वेक्टर्स, और अगर ऑपोजिट है उसको बोलते हैं अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर, लेकिन ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे, तो ये कौन से वेक्टर बनेंगे, हमेशा कोलिनियर वेक्टर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है, तो मैंने लिख दिया वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो यानी कि दो डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स में एंगल या तो जीरो होगा या 180 होगा तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है पोजिशन वेक्टर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पोजिशन वेक्टर ऐसे नहीं व्हाट इज, आप सोचो आपसे पूछेगा व्हाट इज पोजिशन वेक्टर, आप याद करके जाओगे सुबह, डेफिनेशन लिखोगे, आपको बढ़िया होगा पेपर, ऐसे नहीं होता।
ये एप्लीकेशन में काम आता है, पोजीशंस बताने के लिए काम आता है। हम एप्लीकेशन के अंदर सीखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी बताता हूँ पोजीशन वेक्टर है क्या। जैसे सपोज आपको क्या गिवन है, मैंने आपको ये पूछा कि कोई ना यहाँ पी पॉइंट है, इसकी पोजीशन बताओ, क्या पोजीशन है इसकी, आपको कैसे बताएं। ये तो वही बात होगी कि जंगल में घूम गए और किसी को फ़ोन करके बताना है मेरे को बचाने आ जा, वो कहेगा लोकेशन भेज, लोकेशन तो पता नहीं यार, तो बचाऊँ कहाँ, लोकेशन ही नहीं बताना, उसकी पोजीशन बताओ तब तो जाऊँगा अभी, तो क्या करूँ, रेफरेंस पॉइंट तो देना पड़ेगा ना भाई, किस जंगल में ये तो बता दो, साउथ अफ्रीका के जंगल में हो कि यहाँ पर इंडिया के जंगल में हो, ये तो बताओ कम से कम, तो रेफरेंस पॉइंट तो दो कुछ, किस देश में हो, किस स्टेट में हो, किस जिले में हो, किस एरिया में हो। बिल्कुल उसी के अगर पी पॉइंट है उसकी लोकेशन, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना, पी पॉइंट की लोकेशन दुनिया में पूरे यूनिवर्स में पता नहीं कहाँ पॉइंट पी बना के बैठ गए, कहते लोकेशन बताओ, नहीं हो सकता, तो रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैथ्स वाले लोग पता है क्या करते हैं, मैथ्स वाले लोग एक्सेस बनाते हैं, आपने देखा है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, कभी भी पी पॉइंट की उनसे पूछो पोजीशन क्या है, सबसे पहले वो कहते हैं देखो जी ओरिजन है, ओरिजन है, ये ओरिजन है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज 10 मीटर एंड 15 मीटर है, यानी कि एक्स एक्सिस में इनकी जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10 होगा और वाई में क्या होगा 15। हाँ, अब बात समझ में आती है कि ये 10 और 15 विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट है, सही है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। मैथ्स में हम पोजिशन लिखते आए हैं और हम ग्राफ भी बनाते आए हैं, हमें पोजिशन मार्क करनी आती है, प्रोवाइडेड हमें ये रेफरेंस पॉइंट गिवन हो, यहाँ तक क्लियर है। ये एक तरीका है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट तरीका है, फिजिक्स वाले पोजीशन को ऐसे नहीं बताते, बता मतलब या ऐसे बोलो फिजिक्स वाले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको फॉलो तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और तरीका है पोजीशन बताने का जो फिजिक्स वाले यूज़ करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ये कहते हैं कि एक काम कर, तूने पी पे जाना है ना, कहाँ से जाना है, ओरिजिन से जाना है ना, तू मुड़ियो मत, बिल्कुल सीधा चलियो, गोल गोल कहीं भी टर्न नहीं लेना, ओरिजिन से स्टार्ट होके बिल्कुल सीधा जाइयो तो तू पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। किसने कहा ये क्या है, अब मैं सीधा जाऊंगा मतलब सीधा तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, सीधा मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं पी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ओके, तो फिजिक्स वालों ने कहा एक काम कर, तू एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे बिल्कुल सीधा जाइयो, तेरे रास्ते में पी पॉइंट आ जाएगा। हाँ, अब बात समझ में आती है, मुड़ना नहीं है, 30 डिग्री का मतलब अब पी पॉइंट रास्ते में आएगा, अब रास्ते में निकल गया पी पॉइंट तो कैसे बताएगा, तो फिर क्या बताना पड़ेगा, उसे डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। मान लो इस ओरिजिन से सीधा 16 मीटर चलता जा और 30 डिग्री पे चलता जा, पी पॉइंट आ जाएगा। हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशियंट है ओरिजिन से सीधा पी पॉइंट पहुंचने में। तो फिजिक्स वाले ऐसे समझाते हैं कि ये एक वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट जो भी ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड 16 मीटर है, और डायरेक्शन के लिए क्या बताते हैं एंगल। तो पी पॉइंट की पोजीशन बताने का तरीका समझ में आया, सेकंड तरीका। पहला तरीका बहुत सिंपल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट खत्म, डन, ये बढ़िया लगता है सबको। लेकिन दूसरा तरीका ऐसा भी है, हम ये कब यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, फिलहाल के लिए तरीका क्लियर है। तो इस वेक्टर, ये जो O से लेके P तक वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, O P वेक्टर, एक वेक्टर है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है, किसकी पोजीशन बता रहा है, पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है। क्या स्टेप क्लियर है, पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे दो चीजें बताएंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या बताएंगे, 16 मीटर, और डायरेक्शन क्या बताएंगे, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अब एक और चीज सुनो, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अगर मुझे पोजीशन बतानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पॉइंट की, तो पोजीशन बताने का तरीका क्या है, मान लो पी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो एक बड़ा सही तरीका है, ओरिजिन से एक सीधा वेक्टर पी को जोड़ दो, ऑटोमेटिकली क्या वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कोई अगर कहता है जी क्यू पॉइंट भी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये एक वेक्टर ज्वाइन करो ओरिजिन से क्यू तक, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन, तो करना क्या है, पोजीशन वेक्टर रूल नंबर वन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन, कभी टेढ़ा नहीं होगा, सीधा पॉइंट को ज्वाइन करेगा जिन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। क्लियर है यहां तक? दिया एंजल, एंजल ठीक है, तो दो पोजीशंस क्लियर हैं। अब हम ये पढ़ते क्यों हैं, ये पोजीशन वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं भाई? जैसे सपोज करो हम ये बात करते हैं कि कोई भी एक मान लो एनिमी की लोकेशन ढूंढनी है, आर्मी वाले बहुत यूज करते हैं ये लोकेशन ढूंढना, पहले एयरक्राफ्ट यहाँ था फिर इस पोजीशन पे चला गया, तो क्या है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, अब तो ऑटोमेटिक हो गया सारा, वो कोऑर्डिनेट्स अपने आप देखता है कंप्यूटर, अदरवाइज उनको समझ तो आना चाहिए क्या कोऑर्डिनेट्स हैं या टारगेट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या उसकी पोजीशन है जहाँ बॉम्ब को फायर करना है, मिसाइल को फायर करना है, तो ये पोजीशन वेक्टर का काम है सारा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कोई एनिमी अगर पी पे है और उसे पता लगता है कि वो कहाँ पर आ गया, क्यू पे आ गया, पहले पी पे है और क्यू पे आ गया, तो हुआ क्या, तो इसके अंदर ये लो, इसके अंदर वो ये कहेंगे कि सपोज पोजीशन वेक्टर पी का ये रहा, फिर उस प्लेन ने या एनिमी ने पोजीशन को क्या किया, चेंज कर लिया, पी से क्यू पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, वो रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि इस रेफरेंस से ठीक हो गया, उनका कोई रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड है, तो प्लेन एक्चुअल में डिस्प्लेस जो हुआ वो पी, वो यहां थोड़ा जा रहा है प्लेन, प्लेन कहां से कहां गया, पी से क्यू पे गया, तो वो एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये रहा, इस वेक्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि बॉडी यहां से यहां क्या हो गई, डिस्प्लेस, और अगर कोई बॉडी क्यू से पी पे गई तो एरो उल्टा बनेगा, ये शो करेगा कि बॉडी क्यू से पी पे गई, यहां पे पी से क्यू पे गई तो एरो ऐसा बनेगा, तो पोजीशन ये क्या वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ऐसे, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है यहां तक, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, हाँ वो तरीका तो है ही है कि अगर कोई प्लेन जा रहा है तो x1 कॉमा y1 से x2 कॉमा y2 पे गया, वो तो सबसे आसान तरीका है ही है, वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चलते ही हैं, पर वेक्टर सिस्टम कैसे चलता है पैरेलली, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर मैंने बता ही दिया, अगर आपको पोजीशन वेक्टर पी का ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे एक्स और वाई ये यूज करेंगे नहीं, हम एक ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, इस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर और एंगल डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू ओरिजिन, तो इस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जैसे इस एग्जांपल में ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ओपी वेक्टर में दो चीजें बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या है 15 मीटर और डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? अगला टाइप ऑफ वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पी से कहां पे चला गया, क्यू पे, तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, पी की पोजीशन, तो मान लो आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी, तो स्टॉप वॉच आपने ऑन की, पी पॉइंट पर टाइम टी था और बॉडी कहां पर पहुंच गई, क्यू पे एट टाइम टी डैश, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एट टी, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश, और ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? तो कैसे ये रिप्रेजेंट करने समझ में आ रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, और आप कहो कि आज इसको यूज करें, नहीं आज यूज नहीं कर सकते, यूज करने के लिए दो तीन लेक्चर रुकना पड़ेगा, तो जब हम थोड़ा और वेक्टर को आगे चलाएंगे फिर मैं आपको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्लास के अंदर रोज यूज भी करूंगा, ठीक? आज डेफिनेशन है, उस दिन उसकी एप्लीकेशन है, पर एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ यूनिट वेक्टर सीखने पड़ते हैं जो आने वाले टाइम में हम सीखेंगे, तब ही आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बस आपको आज ये पता होना चाहिए कि ये पोजीशन वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बस क्लियर है? ठीक,
तो चैप्टर अभी आप सोच रहे हैं स्टार्ट हुआ? नहीं, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टारिंग है, मूवी स्टार्ट होती है ना, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, स्टारिंग ये, स्टारिंग वो, कैमरामैन, लेंसमैन और स्पॉट बॉय, सारा कुछ। तो ये बेसिकली इसके एक्टर्स करेक्टर्स हैं। अभी जब मूवी स्टार्ट होगी तो ये, क्योंकि हमने ऑपरेशन तीन करने हैं वेक्टर में, तीन ऑपरेशन करने हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन ऑफ वेक्टर होते नहीं है, तो एक्चुअल में वेक्टर एलजेब्रा इन तीनों से बना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं पता होंगे तो लगाओगे क्या ऑपरेशन, पता होता होगा कि किसके ऊपर लग रहा है। इसलिए पहले टाइप ऑफ वेक्टर चल रहे हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक? अब इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। ये क्या बात बनी? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे मैंने फोर्स लगाई। मैंने फोर्स कहाँ लगाई? मैंने इस बेंच के कोने पे लगाई। कैसे लगाई? एक रस्सी पकड़ी और 60 डिग्री पे फोर्स लगाई। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ ये बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट ये बनाया मैंने यहाँ पे, राइट? तो ये कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा वेक्टर है जैसे टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर है। टॉर्क वेक्टर हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है, टॉर्क नॉर्मली वर्ड कहाँ यूज होता है? जब कोई बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है। आपकी गाड़ियों में भी होता है टॉर्क, 2000, 3000, 4000, गाड़ी जितनी तेज टायर घूमेगा टॉर्क उतना ज्यादा है। पंखा तेज घूम रहा है, इसका टॉर्क ज्यादा है, राइट? जितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगी पर सेकेंड, टॉर्क ज्यादा है, राइट? क्लियर है? आप मुझे ये बताएं, टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है ये? नहीं, कितने लोगों ने सुना हुआ है टॉर्क? टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? आईसीएसई वाले होंगे, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कहाँ है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अच्छा ठीक है, ये ले। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक वो छोटे बच्चे ना उससे खेलते हैं, एक हेलीकॉप्टर आता है छोटा सा, वो गुब्बारे वाले के मिलता है। ये एक स्टिक है प्लास्टिक की, स्ट्रॉ की तरह, और वो पंखा लगा होता है इसके ऊपर, वो उसको ऐसे फेंकते हैं तो पंखा हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, ऐसे होता है ना, ऐसे फेंको और वो ऊपर उड़ता जाता है, राइट? तो ये घूम रहा है और ये पंख, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं? मैं ऐसे लगा रहा हूं फोर्स, ये डायरेक्शन है फोर्स की, ये भाई। अगर फोर्स ऐसे है तो टॉर्क तो ऐसे नहीं है, नहीं, ये रही, ये फोर्स है, ये रही, तो टॉर्क ऐसे नहीं है। टॉर्क पता है कैसे है? टॉर्क ऐसे है, जहां ये उड़ गया ये इसका टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर ऊपर होता है, राइट? हाँ, ऐसे होता है, हम पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, तो फिर ये पंखा उल्टा घूमेगा। तो जैसे अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, ऐसे घूम रहा है, अपनी चार फिंगर को ऐसे घुमा लो, तो थंब कहाँ रहा है? ऊपर, पंखा ऐसे घूमेगा। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, ऑपोजिट घुमाया, तो पंखा आपके हाथ पे आके लगता है उल्टा, क्योंकि वो नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे हाथ है, उड़ नहीं पाता। तो हेलीकॉप्टर देख लो, हेलीकॉप्टर में पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा इसी के ऊपर उठा देगा, उल्टा पंखा घूमेगा ही नहीं, हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो नॉन पोलर वेक्टर है। अभी ये पोलर वेक्टर है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स स्पेसिफिक है, तो ऐसा कुछ है। खैर, टॉर्क का एक और भी एग्जांपल है मेरे पास। एक रॉड ले लो, लंबी रॉड है, बीच में टायर, बड़ा टायर, उसके बीच में फंसा दो, रॉड एंटर करवाओ, तो टायर है, जोर के टायर को घुमाओ, टायर घूमेगा, टायर इज फ्री टू मूव, मान लो बिल्कुल स्मूथ है। तो जब टायर घूमेगा तो वो खड़ा खड़ा नहीं घूमेगा, या तो वो इधर जाएगा, उल्टा घुमाओगे, या फिर वो इधर आएगा। अगर आपने ऐसे घुमाया, चार फिंगर ऐसे घूम रही हैं, तो थंब कहाँ जा रहा है? इस तरफ, टायर घूम घूम के इधर आ जाएगा। और अगर आपने उल्टा घुमाया ऐसे, तो टायर घूम घूम के ऐसे आ जाएगा, राइट? टॉर्क वेक्टर समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा कुछ टॉर्क वेक्टर हम स्टडी भी करेंगे आने वाले टाइम में। ये थोड़ा अलग सा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर नहीं है। नॉर्मल वेक्टर दिखते हैं, ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ये रहा, टॉर्क वेक्टर अलग परपेंडिकुलर होता है मोशन के। तो अब इसके अंदर, तो ये पोलर वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स,
अब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, वहां पर एक्सियल वेक्टर काम आता है, और कहीं काम नहीं आता, जहां घूमती है बस वहीं काम आता है। जैसे पंखा घूम रहा है, पंखे का एक्सिस क्या है? रोटेशन का। पंखे का एक्सिस है इसके बीच में से इमेजिनरी एक्सिस, जो पास एक लाइन पास हो रही है, इसका एक्सिस है। ये हेलीकॉप्टर जब ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सिस क्या है? बिल्कुल इसके इमेजिनरी सेंटर से, एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ रोटेशन के पास होता है। अगर आप भी गोल गोल घूम रहे हैं तो आपकी बॉडी में से पास कर रहा है, आपका सेंटर ऑफ एक्सिस है, या एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब इसके अंदर एक बॉडी घूम रही है, ये बॉडी घूम रही है ऐसे, चार फिंगर ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये रहा। तो एक वेक्टर, जैसे टॉर्क वेक्टर मैंने बताया, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर तभी जनरेट होगा जब कोई चीज रोटेट करेगी, तो टॉर्क एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी वेक्टर्स हैं जो रोटेशन, जब बॉडी होती है तो अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम, जैसे टॉर्क, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ये सब वेक्टर्स हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग होती है। जैसे टॉर्क मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप अगर बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका एक्सिस सेंट्रल है, सेंटर से पास हो रहा है, और कहाँ पर है? ऊपर। थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इसका एक्सियल वेक्टर है। अब ये एक्सियल वेक्टर कुछ भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, क्योंकि सबका डायरेक्शन निकालने का तरीका सेम है, सेम है। तो अगर मेरी चार फिंगर ऐसे घूम रही हैं, थंब की तरफ है, तो ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों, तीनों में से। तो तीनों का नाम ना लिखते हुए मैंने क्या नाम दिया? एक्सियल वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर एक्सिस के लॉन्ग होगा तो वो एक्सियल वेक्टर है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। नाम देना ठीक नहीं ना, क्योंकि सबका रूल तो सेम ही है। और अगर कोई बॉडी उल्टी घूम रही है तो एक्सियल वेक्टर कहाँ जाएगा? नीचे। अब ये एक्सियल वेक्टर टॉर्क भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन जनरल नाम है एक्सियल वेक्टर, हो ये कुछ भी सकता है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरियर, कैरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, डायरेक्शन बताता है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड टेंसर्स। अभी कुछ ना, देखो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं प्योर वेक्टर हैं, जैसे फोर्स, मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन है, एक फोर्स वेक्टर की एक डायरेक्शन है। ये नहीं हो सकता कि 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, कहाँ लगाई? नॉर्थ भी लग रही है, ईस्ट भी लग रही है, साउथ भी लग रही है, ऐसा ना होगा। अगर साउथ लग रही है अलग वेक्टर है, नॉर्थ लग रही है अलग वेक्टर है, सब अलग अलग वेक्टर्स हैं, राइट? तो अगर कोई भी वेक्टर की एक डायरेक्शन नहीं है और वैल्यू भी एक नहीं है, एक वेक्टर की कई डायरेक्शंस हैं, तो देखो वो प्योर वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर की एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होती है। और ये स्केलर भी नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि स्केलर की तो बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, और ना ये स्केलर ना ये प्योर वेक्टर, तो ये बीच में फंस गया। इसका नाम है टेंसर। तो टेंसर वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन तो है मल्टीपल, जिनकी वैल्यू तो है मल्टीपल, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक टाइम पे कई वैल्यूज हो सकती हैं, एक टाइम पे कई डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो वो टेंसर्स हैं। ना ये प्योर वेक्टर है ना ये प्योर स्केलर है। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस एग्जाम्पल, प्रेशर, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया है। मैं प्रेशर से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आप एक, अगर वाटर का एग्जाम्पल, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के अंदर पानी क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। आप भी अगर सी के नीचे जाएंगे, और नीचे और नीचे और नीचे, आपका सर फटने वाला हो जाएगा बहुत टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि पानी आपके हेड पे क्या लगा रहा है? प्रेशर। तो इससे आपका बीपी, ब्लड प्रेशर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया। आप बहुत हाइट पे जाते हैं, वहां पर भी ऐसा होता है, और एरोप्लेन के अंदर तो प्रेशर चेंज करते हैं वो, हाइट के साथ एडजस्टमेंट होती है। कई बार कान बंद हो जाते हैं, जबरदस्त दर्द भी होते हैं, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर होता है, क्योंकि आप एकदम हाइट से नीचे उतर रहे हैं तो जल्दी उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतरेंगे नहीं होगा, जल्दी उतर रहे हैं तो एकदम आपका सर या कान दर्द होते हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है, राइट? तो इसमें जो प्रेशर है, जैसे वाटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, पानी के अंदर अगर आप गए, ये मान लो ये रहा वाटर है, वाटर में जो प्रेशर है, मान लो यहां पर प्रेशर है, प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? यहां पर पानी प्रेशर लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है?
नीचे लगा रहा है ऊपर की चारों तरफ? चारों तरफ। चारों क्यों? हर तरफ। ठीक है, हर तरफ। तो पानी का प्रेशर एक्चुअल में क्या लगता है? हर तरफ लगता है। पानी नीचे भी प्रेशर लगाता है, साइड पे भी लगाता है, ऊपर भी, हर जगह प्रेशर लगाता है। आप पानी के स्विमिंग पूल में जाओ, आपको अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, वो प्रेशर की वजह से है। दीवार के ऊपर प्रेशर है, अगर कच्ची दीवार होगी टूट जाएगी, प्रेशर है। बॉटम है, आप एक एक फ्लास्क लेके घूम रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया, उसका फ्लोर ब्रेक हो सकता है यार, प्रेशर है उसकी वेट की वजह से। तो प्रेशर हर तरफ है। अब प्रेशर की एक डायरेक्शन नहीं है, तो अगर एक होती तो वेक्टर होता, ये एक नहीं है तो ये टेंसर है। प्रेशर की वैल्यू उस पॉइंट पर तो सेम है, मान लो 10 है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है ना इसमें। प्योर वेक्टर ये नहीं, प्योर वेक्टर में एक वैल्यू एक डायरेक्शन, यहां एक वैल्यू कई डायरेक्शंस। ऐसा है डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ भी इनमें से चेंज होगा। ठीक, तो पूरी तरह वो वेक्टर बन नहीं पाएगा। अच्छा चलो ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेता हूँ, आपका एग्जांपल ले लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम ये रोटेशनल मोशन में स्टडी करते हैं टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सपोज करो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने एक स्फीयर लिया, एक डिस्क ली, एक रिंग, एक सिलेंडर, सबका मास 10-10 किलो है, छोड़ दो, क्या सारे इकट्ठे नीचे आएंगे रोल करते हुए? एक डिब्बा भी ले लेना, क्यूब भी ले लेना 10 किलो का, तो क्या सब इकट्ठे आएंगे नीचे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सबका टाइम टेकन डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि मास के साथ एक और चीज मैटर करती है, और वो क्या है? शेप। शेप के हिसाब से भी रोटेशन होती है। अब क्योंकि मास तो 10 किलो का है, और मास और शेप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें मास भी आता है, जिसमें शेप भी आती है। अब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे मास रिमेनिंग सेम। अब डिफरेंट वैल्यू आ रही है सेम मास पे, इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं आएगी, डायरेक्शन तो कुछ होती नहीं है इसकी, सिर्फ वैल्यू आती है, पर वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो ऐसे केस में जब हम मोमेंट इनर्शिया निकालते हैं, तो हम ना जब, क्योंकि मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में करवाया था, मोमेंट इनर्शिया इज मास इनटू रेडियस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस से। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ परपेंडिकुलर है, पर फिर भी वो क्या है? टेंसर है, वो वेक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन नहीं है, पार्टिकल की मल्टीपल डायरेक्शन लेते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी लेते हैं। तो यानी कि जो प्योर वेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन कुछ कुछ डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है, तो वो क्या कहलाता है? टेंसर। चाहे वो कुछ भी फिक्स नहीं कर पाया, तो वो टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक, फिक्स्ड वेक्टर्स क्या है? फिक्स्ड वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा हमेशा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। और मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ने जब भी बनना है, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होनी है? फ्रॉम ओरिजिन। कहीं मर्जी पोजीशन वेक्टर बना लो, उसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? एक फिक्स्ड वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर, कार यहां पर है तो वेलोसिटी वेक्टर यहां पर है, कार वहां चली गई, वेलोसिटी वेक्टर वहां चला गया, तो ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जहां कार जाएगी वहां वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। फोर्स वेक्टर जरूरी थोड़ी ना कि ओरिजिन पे लगेगी, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे लगा, जहां मर्जी लगाऊं, तो फोर्स वेक्टर फिक्स वेक्टर नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर है यहां तक? तो आता नहीं है, खैर ये भी बहुत ज्यादा, पर पता होना चाहिए। फ्री वेक्टर, जैसे वेलोसिटी वेक्टर, जहां कार जा रही है वहीं वेलोसिटी बना दो, कार वहां मुड़गी वहां वेलोसिटी बना दो, कार यहां चलेगी यहां वेलोसिटी, इसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये एक फ्री वेक्टर है, तो फिक्स्ड या फ्री वेक्टर। बेस्ट एग्जांपल फिक्स्ड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ही है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और प्रॉब्लम है, अगर मान लो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, जैसे फोर्स मैंने जो लगाई एक बॉडी पे, जीरो लगाई, बस मैंने टच किया, मैंने कहा फोर्स, मैंने कहा फोर्स तो लगी नहीं, जीरो है, तो प्रॉब्लम ये है
अगर चलो मान लिया 10 न्यूटन नहीं है, 15 न्यूटन नहीं है, 0 न्यूटन है, ओके, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, तो जीरो की डायरेक्शन बोलो क्या होगी। फोर्स इज अ वेक्टर और आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, बट साथ में कह रहे हो इट्स अ वेक्टर। अगर फोर्स इज अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड जीरो आ गया तो डायरेक्शन में क्या लिखोगे? देखो अगर कोई फोर्स की वैल्यू है फिर तो डायरेक्शन निकल आएगी, जब वैल्यू ही नहीं है जीरो भी तो हो सकती है, मैग्नीट्यूड क्या प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? तो डायरेक्शन लिखेंगे नल, कुछ नहीं। कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? नल, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जब है ही नहीं बताऊं क्या। ठीक है, पॉइंट ये अराइज होता है, जरूरत, जीरो वेक्टर को लेने की जरूरत तो बताओ क्या है, जब है ही नहीं। आप ऐसा तो फोर्स लगाई नहीं मैंने, अब बोल सकते मैंने फोर्स नहीं लगाई, जीरो की जगह आप बोलो मैंने फोर्स नहीं लगाई, एक ही बात है, तो वो तो जीरो वेक्टर ही है। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर का प्योर रूल है कि उसका मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन। अब अगर आप मैग्नीट्यूड जीरो बोलते हो और आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी जो है ही नहीं, तो इसलिए ताकि फोर्स वेक्टर ही रहे, फोर्स अगर वेक्टर है तो दो चीजें तो बनती हैं उसकी, इसलिए डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं, नल, ताकि फोर्स वेक्टर की कैटेगरी में ही रहेगी। अगर मैं ये कहूंगा इसकी डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है जीरो पर डायरेक्शन नहीं है, फिर आप मुझे चैलेंज कहोगे सर फोर्स वेक्टर कैसे है, फिर फोर्स वेक्टर नहीं रहा ना, फिर क्या एक्सेप्शन लगाऊंगा केमिस्ट्री की तरह, भाई वैसे फोर्स वेक्टर है पर जीरो पे वेक्टर नहीं है, फिजिक्स वाले एक्सेप्शन नहीं बनाते केमिस्ट्री की तरह कि यहाँ तो फिजिक्स चल जाएगी या नहीं चलेगी, होता ना केमिस्ट्री में बनती है ऐसे एक्सेप्शन, या नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, फोर्स अगर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको नल बोल दो। तो जैसे इमेजिन करो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स, बी वेक्टर आप लेफ्ट पे ले गए तो राइट साइड पे क्या आना चाहिए, जीरो, भाई मैथमेटिकली जीरो आना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम है, किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस करोगे आंसर वेक्टर ही आएगा। आप जीरो लिखते हो तो वेक्टर का रूल वॉयलेट करते हो, क्यों, क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर माइनस करके वेक्टर आना चाहिए, पर आप अगर अकेला जीरो लिखते हो रूल वॉयलेट हो गया, क्यों, क्योंकि जीरो इज ओनली अ स्केलर, तो हम क्या लगाएंगे जीरो के ऊपर वेक्टर, नल वेक्टर, ताकि जीरो भी रहे और डायरेक्शन कोई पूछे कहते मुझे पता नहीं, नल है, कुछ नहीं है, पर लेकिन डायरेक्शन कुछ भी ना होना इज अ डायरेक्शन फिजिक्स में, क्लियर है यहां तक, तो इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे ए वेक्टर कोई वेक्टर है, उसमें मैंने जीरो को ऐड कर दिया, रूल वॉलेट हो रहा है भाई, ए वेक्टर अगर वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होगा, वेक्टर में स्केलर कभी ऐड हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा कि एक फोर्स 10 न्यूटन है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, इसमें 15 सेकंड ऐड कर दो, ये क्या रूल है भाई, भाई फोर्स अगर वेक्टर है तो अगली क्वांटिटी भी फोर्स की ही होनी चाहिए और वो भी वेक्टर ही होनी चाहिए, ये रूल है, हम आगे सीखेंगे। तो अगर मैं अकेला जीरो लिख देता हूं, वेक्टर हटा देता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, आज मैंने जीरो लिखा, कल को आप मुझे को 10 भी लिखो, ए वेक्टर प्लस 10 अलाउड ही नहीं है, वेक्टर के साथ एक वेक्टर ही आएगा। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बी वेक्टर वाई के लॉन्ग है, नहीं होगा, यही तो सीख रहे हैं चैप्टर में, अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है मैं उन्हें ऐड कर सकता हूं, ये चैप्टर इसी में डील करता है, तीन ऑपरेशन करने यही तो करने हैं, इनको ऐड कैसे करना है अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर को, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चैप्टर सिखाएगा आपको, होते हैं, ठीक है। तो जीरो की इंपॉर्टेंस बता रहा है वो, कि जीरो वेक्टर क्यों नाम दिया, जीरो क्यों नहीं दिया, क्योंकि वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अगर ये जीरो अकेला हो गया, कल को तुम कहोगे 10 ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो, तो वेक्टर और स्केलर ऐड नहीं होते, स्केलर स्केलर हो सकते हैं, वेक्टर वेक्टर ऐड हो सकते हैं, स्केलर स्केलर विल गिव स्केलर आंसर, जब ऐड करोगे 10 प्लस 2 12, स्केलर स्केलर स्केलर, वेक्टर प्लस वेक्टर विल गिव अ वेक्टर, लेकिन वेक्टर प्लस स्केलर नॉट अलाउड, ठीक है, इसलिए यहां पर नल के साथ क्या बोलना पड़ेगा, वेक्टर भी है, जीरो वेक्टर है, ताकि रूल्स फिजिक्स के वॉयलेट ना हो, राइट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर
बाय अ रियल नंबर। देखो ये टाइप ऑफ वेक्टर्स से खत्म हो गए। अगर मैं किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, राइट, मैंने ए वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर आपने कहा था एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड हो सकता है, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर भी वेक्टर आएगा, पर मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे बोल सकते हो एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर के साथ। मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, वेक्टर और स्केलर की ना तो एडिशन हो सकती है ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है। हाँ, तो स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर ए वेक्टर को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रूल है, एक नया वेक्टर आएगा जिसका नाम क्या होगा, 2a वेक्टर, और 2a वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में इससे डबल होगा। जैसे अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो a वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट है तो इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे अगर v वेक्टर है, v वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड है अलोंग x एक्सिस, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया वेक्टर क्या आ गया, 3v वेक्टर। अब 3v वेक्टर क्या करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 10 × 3 30 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। एक एग्जांपल और नोट कर लो अपनी शीट में। सपोज आपके पास कोई a वेक्टर है, a वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड है 10 अलोंग x एक्सिस। आप मुझे ये बताओ अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं 20 इन पॉजिटिव, कितने लोग बोलते हैं 20 इन नेगेटिव, 20 नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। आप मुझे बस ये चीज बताओ कि अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 2a से मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ 2 से बस, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस ही रहेगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं -2a वेक्टर लूं, -2a वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन 2a वेक्टर से ऑपोजिट, माइनस साइन डायरेक्शन चेंज कर देगा, 2a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर, तो -2a वेक्टर कहां बनेगा, ऑपोजिट, माइनस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड क्या होगा 20 की -20 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक चीज याद रखना, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करना है, मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपका मन करेगा कि वी की वैल्यू -20 बोलूं, -40 नहीं बोलना, 20-40 ही बोलना, फिर माइनस का क्या करना, डायरेक्शन उल्टा बोल देना। क्लियर है यहां तक? तो -2a वेक्टर समझ में आ रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन चेंज की, 2 ने अपना काम कर दिया, 2 × 10 20 हो गया। कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? यस। ठीक। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखो जो यूनिट वेक्टर है ना, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ना सोचेंगे इतना फॉर्मूला छोटा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। यूनिट वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है वेक्टर्स में। नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट वेक्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज सिर्फ डेफिनेशन के साथ खत्म करने वाले हैं। उस दिन जब हम करेंगे उस दिन आपको साथ समझ में आएगा और बहुत बढ़िया इसका रोल है। क्या है यूनिट वेक्टर्स को समझते हैं। नाम से पता लग रहा है नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नल जीरो है। यूनिट वेक्टर
वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिट का मतलब वन, वन है इसका, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, ठीक है। अब ये चीज बताओ कि अगर सपोज करो कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 10 है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, मैंने वैल्यू भी लिखी और मैंने डायरेक्शन भी लिखी, कोई डाउट? सही है। अगर सपोज करो मैं ये बोलूं कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ क्या है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर है तो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर निकाल के दो इसमें से जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। तो यानी कि ए वेक्टर का ही पार्ट है यूनिट वेक्टर, बस ए वेक्टर कंप्लीट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और यूनिट वेक्टर उसका पार्ट है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और क्योंकि वो इसका पार्ट है तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की भी क्या रहेगी, जो एक्चुअल वेक्टर की, अगर एक्चुअल वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर भी एक्स के अलोंग रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा सिर्फ, ये फर्क है। तो अगर मैं लिखूं कि इसका यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, 1, एंड डायरेक्शन कहां होगी इसकी, सेम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर नहीं लिखते, इतना लंबा नहीं लिखते, इसकी जगह लिखते हैं ए कैप, ए के ऊपर टोपी, कैप, ए कैप दूर से ही चमकेगा कि ये एक वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। बस जिनके ऊपर कैप्स है उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1, जिनके ऊपर वेक्टर है हो सकता है 1, हो सकता है 1 ना हो, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, पर कैप का मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही 1 आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं ए वेक्टर इज 10 अलोंग एक्स एक्सिस, पर अगर मुझे इसकी जगह एक कैप लिखना पड़ जाए तो कितने लोग बोलते हैं कि ऐसे लिखना सही है, ए कैप इज इक्वल टू 1, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं गलत है, गलत क्यों है, डायरेक्शन। देखो वेक्टर और कैप में कोई फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है कि कैप लग गया तो मैग्नीट्यूड बनाएगा और वेक्टर लग गया तो कुछ भी आ सकता है, अदरवाइज अगर मुझे 1 ही शो करना था फिर तो मैं ए इज इक्वल टू 1 लिख देता ना, ए 1 का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, पर मैं यूनिट वेक्टर नाम दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जब कैप लगता है तो वैल्यू 1 रहेगी हमेशा और डायरेक्शन वही रहेगी जो एक्चुअल वेक्टर की थी, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? बस ये एक फायदा देगा आपको कि ये जो कैप लगा होगा इसका मैग्नीट्यूड आप मुझसे पूछोगे नहीं, सर मैग्नीट्यूड क्या, मैं क्या बोल दूंगा, 1, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये बताओ कि ए कैप की डायरेक्शन कहां है अलोंग एक्स, मानते हो ए कैप की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, कोई डाउट इसमें? ये किसने डिफाइन की, मैंने की, मैंने इमेजिन किया, ये कोई फिक्स थोड़ी ना कि ए कैप हमेशा एक्स ही होगा, मैंने बनाया कि चलो इमेजिन करो कि ए कैप की डायरेक्शन कहां पर है अलोंग एक्स एक्सिस, बन गया। अब मैं ना आपको एक, मैं इस चैप्टर में ये बताना चाहता हूं कि मेरी एक कार जा रही है, एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये v की वैल्यू है, ये v की का मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर लगा रहा हूं वैल्यू बोल रहा हूं, और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो देखो मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर लिखूंगा, वेक्टर, तो मुझे 10 मीटर पर सेकंड भी लिखना है, अलोंग एक्स एक्सिस भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, और अगर मैं v लिखूंगा तो सफिशियंट है इतना, तो v वेक्टर लिख दिया मैंने, कोई डाउट इसमें, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों लिखी मैंने।
मैं इसकी जगह ऐसा भी कर सकता हूं, v वेक्टर इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, या v वेक्टर इक्वल टू 10 मैग्नीट्यूड 10 अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस की जगह सिंपली यहां पे क्या लिख दूंगा, a कैप। आपको गई ये क्या है, क्योंकि a कैप का मतलब क्या है मेरे यहां एग्जांपल में, अलोंग x एक्सिस, तो मैंने पीछे लगा दिया, तो a कैप का मतलब पढ़ तो लो अलोंग x एक्सिस। तो आपको कैसे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, पता है क्यों, जब मैं इसका मॉड लूंगा, मॉड समझते हो वैल्यू, तो राइट साइड का जब मैं मॉड लूंगा दोनों का, तो ए कैप का मॉड का मतलब ए कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 10 इंटू 1 10, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इतना लंबा देखो मैं लिखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ ए कैप। तो यूनिट वेक्टर का काम पता है क्या इस चैप्टर में, डायरेक्शंस के, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बताना कितना आसान हो गया। जैसे आने वाले टाइम में हम करेंगे, ये मान लो एक्स एक्सिस है, अब ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हम करेंगे जिसके साथ कैलकुलेशन हमने करनी है, कैसे, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम ना तीन यूनिट वैक्टर्स डिफाइन करेंगे, तीन यूनिट वैक्टर्स, उनमें से एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस की लेंथ तो बहुत लंबी इनफाइनाइट है, तो अगर मैं इसका, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लूं एक्स के अलोंग, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई कैप। ये फिक्स्ड है वेक्टर में, ये रूल बना दिया गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर लेना है तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1। आई कैप जो उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि कैप लगी हुई है तो 1 ही आएगा, और आई कैप की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर जे कैप है, सॉरी वाई एक्सिस है, तो इसके यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जाता है, जे कैप। वैल्यू इसकी 1 है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। तो आज के बाद अगर मुझे ये लिखना है कि मेरी कार मूव कर रही है विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पता है क्या लिखूंगा, वी वेक्टर इज 10 आई कैप, बस कुछ भी नहीं, कितना छोटा हो गया, क्योंकि आई कैप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। 10 आई कैप का मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड 10 है, और डायरेक्शन आई कैप का मतलब इट इज ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है आपको, कि मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड या वैल्यू लूं तो आई कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1, तो आंसर तो फिर से क्या जाएगा, 10, फर्क नहीं पड़ रहा। तो आई कैप लगाने का फायदा देखा क्या है, कि आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। ऐसी अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई कैप, तो नहीं नहीं 10 जे कैप बस। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर्स आपको वेक्टर की डायरेक्शंस बताने के का काम करेंगे, कि कोई वेक्टर x के लॉन्ग है या y के लॉन्ग है या z के लॉन्ग है, ऐसा कुछ यूनिट वेक्टर का काम होगा आने वाले टाइम में। हम इसको बाद में देखेंगे, इसको i कैप j कैप को कैसे यूज करना है, पर आइडिया समझ आ रहा है यूनिट वेक्टर का काम क्या है। तो यूनिट वेक्टर अगर मान लो, ये अपनी फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर a कैप इज a वेक्टर डिवाइडेड बाय a, ठीक, a वेक्टर डिवाइडेड बाय a। ए कैप, ए कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अ वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो डिनोमिनेटर में ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ ए है। फॉर एग्जांपल इसको यूज कैसे करना है, मान लो ए वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ए कैप निकालना चाहता हूं मैं, इसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया, ए वेक्टर की जगह क्या लिखूंगा, 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, और ए का मतलब क्या है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ 10। स्केलर स्केलर कट गए, डायरेक्शन को छेड़ नहीं सकते, 1 आ गया। अब चेक करो ए कैप क्या आ गया, 1 अलोंग नॉर्थ, मैं भी तो भी बोल रहा हूं कि वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी जो एक्चुअल वेक्टर की है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे इसे। ठीक है यहां तक?